करबला करबला हाय बने अल्लाह मेरे मौला, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं अपना सर पीट लूं, मेरी आवाम, मेरी सिंध की आवाम मर गई, रो रोकर तबाह हो गई। गठजोड़ है चोर लुटेरों का, गठजोड़ है चोर लुटेरों का, ये सूबा है महज वडेरों का। गठजोड़ है चोर लुटेरों का, ये सूबा है महज वडेरों का, यहाँ सैकड़ों लोग जलाए गए, तो खरबों खाए गए, यहाँ आसिम भी आजाद हुआ, हमारे शर्जील मेमन भी शादो आबाद हुए। अयान दुबई जा बैठी, अयान दुबई जा बैठी, इंसाफ को दांत दिखा बैठी, आखिर उजैर भी बाहर आएगा, कोई कुछ भी ना कर पाएगा, ये कुछ और मीसाक बनाएंगे, खुद खाएंगे और खिलाएंगे। जमहूर के नाम पे अवाम को बस लोली पाप खिलाएंगे। मेरे सिंध में जब तक ए मेंबरो, मेरे सिंध में जब तक ए मेंबरो, ये अंधी अकीदत जिंदा है। मेरे सिंध में जब तक ए मेंबरो, ये अंधी अकीदत जिंदा है। आपस में कान खोलकर सुन लो, वहां आज भी भुट्टो जिंदा है, यहाँ जारी शेर का धंधा है। इस फोरम पे हाथ जोड़कर चीफ, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको कहती हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहती हूँ मैं, अपने जो हमारे फौज के सबसे आला अफसर है उनको एहतजाजन कहती हूँ, ठीक है साहब, मैं यहाँ पर कई सालों से चीखों पुकार कर रही हूँ कि ग्रुप इंश्योरेंस के जो लोग हैं पूरी सिंध में, उनको खुदा का वास्ता है, उनको रिलीफ दें, उनके जो पैसे सारी जिंदगी कटते रहे, वो अपनी बेटियों की शादियां करवाएं, वो किसी मद में अपने पैसे खर्च करें, बेचारे पूरी सिंध में, बल्कि सिंध से बाहर जहां जहां भी बेचारे वो बैठे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस वाले उनके लिए सीएम साहब होते तो हम यहाँ तकरीर कर रहे थे, वहां भी सब पता नहीं कौन कौन आकर बैठ गए, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो सेक्रेटरीज हैं, पता नहीं कहाँ है, वो जो हमारा चीफ सेक्रेटरी वो भी नहीं है, शर्जील मेमन साहब बेचारे रोज आकर बैठ जाते हैं, बाकी आगे की सारी लाइन गायब। ये बजट है, सीएम पता नहीं कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हुए, ये हमारा सिंध का बजट है, सब लगे हुए इलेक्शन की कैंपेन करने में, और हम कोर्ट में जाएंगे, अल्लाह का वास्ता देंगे उधर के अवाम के लिए, इलेक्शन को सिलेक्शन कर दो, जान छोड़ो पैसा, जो अवाम का तबाही बर्बाद कर दिए, लोग रो रहे तड़प रहे। इसके अलावा जो कोरोना के आप लोगों ने सीएम साहब ने रखे थे इमरजेंसी के लिए, स्पीकर साहब खुदारा उनको तनख्वाहें दे दें, बेचारे रो रहे हैं मर रहे हैं इमरजेंसी में, खतरे में उन्होंने ड्यूटियां की, फिर कोरोना आ गया, उन लोगों को तनख्वाह दे दो, ये रोज हमारे पास खुदा का वास्ता देकर मैसेजेस करते हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उसकी 5% जो आपने की है अल्लाह का वास्ता, उसमें भी थोड़ी कर दे रिटायर्ड।